जय गुरु। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पटना ही सत्संग बिहार ऑनलाइन सत्संग में। आइए हम लोग देखते हैं सब्सक्राइब कैसे करें। ये जो देख रहे हैं आप सब्सक्राइब का बटन है ना, उस पर क्लिक करके ये बेल वाले आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना है, उसके बाद सब्सक्राइब हो जाएगा। धन्यवाद। जय गुरु। मैं स्मिता सिंह बेगूसराय से आई हूँ इस उत्सव में, 2 तारीख वाले उत्सव में। यहाँ के बहुत आनंद हुआ, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम लोग को सब्जी काटने का मौका मिला, इससे पहले कभी इसमें हम लोग नहीं इन्वॉल्व हुए थे। इस बार फर्स्ट टाइम हुआ है। सुबह 7 बजे हम लोग लगे, दोपहर तक सब कम्प्लीट हो गया और फिर हम लोग को शाम में मिला है। रात में अब फिर हम लोग जाएंगे आनंद बाजार वाला में, हम लोग को कार्य मिला है, उसमें काम करना है। यहाँ के बहुत आनंद हुआ, बहुत अच्छा लगा। जय गुरु। जय गुरु। हम लोग आए हैं यहाँ देवघर सत्संग नगर 2 सितंबर का ठाकुर जी का काम के लिए। हम यहाँ चाह रहे हथरा में, हम बेगूसराय से 5 माह मिल के आए हैं सिर्फ ठाकुर जी का काम करने के लिए कर्मी के रूप में। लेकिन ठाकुर जी कैसे व्यवस्था करते हैं ये हमको देख के आश्चर्य हुआ। जय गुरु। हम बेगूसराय से हैं, मेरा नाम रेखा देवी है और हमें यही 1 तारीख 2 तारीख ठाकुर जी को उत्सव में आए हैं और 1 तारीख को हमें जो कार्ड मिला है सब्जी काटने का वो हम किए और कल जो फिर मिलेगा वो हम करेंगे। और बोले बहुत अच्छा लगा यहाँ आने से, और हम फर्स्ट बार ऐसे आए हैं यहाँ पर, हम यहाँ फर्स्ट बार आए हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। जी मैं हम आनंद बाजार में काम किए हैं, फिर कल भी करेंगे, रात में भी करेंगे और परसों करके यहाँ से बिदागरी लेंगे। तो प्रिया दीदी आपको कैसा लगा पहली बार यहाँ पे आके बताइए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे सेवा करके, यहाँ पे लोगों को खिला के, खाना खिला के, सब्जियाँ काटी है, बहुत सारी सेवाएं हैं यहाँ पे और मैंने की भी है, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और मैंने पहली बार मैं आई यहाँ पे तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। क्या क्या काम किया? सब्जी काटी है मैंने और पत्तल बांटे हैं, लोगों का रूम मैनेजमेंट और लोगों को मैनेज करना, क्राउड मैनेज करना, ये सब काम करना तो अच्छा लगा हमको। जय गुरु पलक जी, आपको कैसा लगा यहाँ पे आके? जय गुरु माँ। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि फर्स्ट टाइम मेरे यहाँ पे आना हुआ। फर्स्ट टाइम हम सुबह का प्रार्थना अटेंड किए, शाम का प्रार्थना अटेंड किए, फिर से जितने भी माँ हैं, दादा हैं, सबको अपना जैसा फील हुआ कि बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। और उनको जो भी रूम मैनेजमेंट था उनको हमने सही राह दिखाया, पत्थर भी दिए और सब्जी वगैरह भी हेल्प भी किए। जो भी दादा हैं, माँ हैं, बस अपने जैसा फील हो रहा है। थैंक यू। जय गुरु। जय गुरु दीप्ति दी, आपको ये काम करके कैसा लगा ठाकुर जी का वो बताइए। जय गुरु। ये मेरा सेकेंड टाइम है ग्रुप में देवघर। मैं फर्स्ट टाइम एज ए वॉलेंटियर यहाँ पे आई हूँ और ठाकुर जी के आगमन दिवस के शुभ अवसर पर काम करके बहुत अच्छा लगा। सुबह हम लोग सबसे पहले उठ के प्रेयर गए, ठाकुर जी का दर्शन किए, फिर कुछ नाश्ता किए और उसके बाद फिर हम लोग आनंद बाजार में गए वर्क करने के लिए। वहाँ पे जो भी काम था बहुत अच्छा फील हुआ सेवा करके। और अभी हम लोग यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और कल के लिए तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। कल आगमन दिवस है ठाकुर जी का, वो बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है हम लोग। जय गुरु माँ। आपको यहाँ पे आके कैसा लगा? ठाकुर जी का काम किया आपने भी बहुत सारा देखा है मैंने, तो काम करके कैसा लगा, ग्रुप में आकर कैसा लगा वो सब बताइए। जय गुरु। ग्रुप में आकर के हमको यहाँ आनंद अच्छा लगा। ठाकुर बाड़ी में आकर के भजन करते थे और सब्जी वब्जी काटते थे, फिर आनंद बाजार में जा कर के हम लोग पत्थर बांटना ये सब सहयोग किए, वॉलंटियर का काम किए और अच्छा लगा। यहाँ पर रहने का भी सारा व्यवस्था अच्छा से हम लोग रह रहे हैं, नहाने खाने सारा का इंतजाम है, सब अच्छा है। जय गुरु।
जय गुरु दादा। जय गुरु। आपको यहाँ आके कैसा लगा? और ग्रुप है, बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारी भीड़ भी है। 2 सितंबर है तो ठाकुर जी का आगमन दिवस है, तो बहुत सारे लोग हैं, तो इस भीड़ में भी ठाकुर जी का काम करते हुए आपको कैसा फील हो रहा है ये बताइए। देखिए, हमारे परम पिता ठाकुर जी ऐसे आइडियोलॉजी से हम लोगों को जोड़ दिए हैं जो यहाँ प्रेम का बारिश हो रहा है, ठीक है। और ठाकुर जी का जो हम काम करते हैं तो हमको लगता है जो हम सब ये जितने हैं उस परम पिता के संतान हैं, और हम लोगों के जो ये मायावरी पिता है वो सिर्फ जन्मदाता है, बाकी सबों का मंगल करता जो है, सभी के जो मंगल करता है वो हमारे परम पिता है, ठीक है। और इस भीड़ में जो हुजूम आया है लाखों में, जिसको हम लोग प्रेम से ही जीत पाए हैं, और एक दूसरे में इतना प्रेम है जो अन्य संस्था में नहीं मिलेगा, ये हमारे ठाकुर जी का आइडियोलॉजी है। आज का जो परिवेशन हमारा आनंद बाजार का हुआ, 9 बजे से यह जो है कार्यक्रम चला और 4 बजे तक अनवरत चलता रहा, जिसमें 2 फ्लोर आज चला है। और कल का जो मेरा प्रोग्राम है, कल तो सुबह में हम लोग का ठाकुर जी का शोभा यात्रा निकलेगी, और शोभा यात्रा में हम जितने वर्कर हैं हम लोग जा नहीं सकते, इसलिए जाएंगे तो थक जाएंगे, तो हम लोग काम करने में सफल नहीं होंगे। तो इसको और सुंदर ढंग से हम कैसे परिवेशन करें जो हमारे गुरु भाई समझे जो नहीं सही में ये हमारे ठाकुर जी का काम है, ठीक है। तो कल 9 बजे से मेरा जो आनंद बाजार का परिवेशन होगा वह 12 बजे रात तक चलता रहे, ठीक है। और सब कोई मिलजुल करके आनंदित होके यह कार्यक्रम को हम लोग सफल बना रहे हैं। जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु। यह आगमन दिवस जो है हम लोगों का इसी 1888 को इसी दिन इस बिहार के धरती पर हमारे परम पिता परमेश्वर के यहाँ पधारे, उसी का आगमन दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं आज का दिन। और इसका प्रोसेशन बहुत सुंदर शोभा यात्रा, अपने देश विदेश से सभी लोग आते हैं, सभी ढंग के कलाकार, सभी नृत्य करते हुए उसी से आनंदित होते हुए हम लोग यहाँ से रेलवे स्टेशन देवघर तक जाते हैं, और उससे फिर घूम करके सभी जगह माइक लगा हुआ रहता है, कीर्तन भजन के साथ उन्माद, सभी मनोरंजन दल के साथ कीर्तन करते हुए हम लोग यहाँ आते हैं। परम दयाल श्री ठाकुर जी का शुभ इतना आगमन दिवस में हम लोग नालंदा से बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहन आए हैं, आनंद बाजार में सभी लोग सहयोग कर रहे हैं, और हम लोगों का परम सौभाग्य है कि इस बिहार में परम पिता सन 1946 में आए और हम लोग उनका लीला भूमि पर आकर के अपने परिवार के साथ धन्य धन होते हैं, कृतार्थ होते हैं। हम लोगों को आचार देव का आशीर्वाद है कि सभी लोग नालंदा बस से आकर करके आनंद बाजार शोभा यात्रा में सभी सहयोग करें, एक दूसरे के कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। हम लोग सभी गुरु भाई मिल करके इस पे तत्पर हैं, यही है हम लोगों को आनंद का चीज है। जब भी मालिक को पाता है, जो पुरुषोत्तम को पाता है, कोई भी व्यक्ति जब उनकी दीक्षा लेकर करके अपने परिवार में घर में संसार में चलता है वह धन्य धन्य हो जाता है। और जो भी लोग परम दयाल श्री ठाकुर जी को अभी तक नहीं जान पाए हैं, यहाँ पर आकर करके उन लोगों को हम लोग जनाते हैं और उन लोग भी दीक्षा लेकर के उद्बुद्ध होते हैं, यही है ठाकुर जी की दया। जय गुरु। जय गुरु माँ। माँ, हम लोग कंकड़बाग मंदिर टीम के एक टीम मेंबर्स के रूप में, एक वॉलेंटियर के रूप में हम लोग मंदिर आए हैं,
तो माँ आज 1 सितंबर है, 2 सितंबर के उत्सव में शामिल होने आए हैं। तो माँ आज 1 सितंबर है और आज पटना वाले जितने भी दादा माँ गुरु भाई सब लोग थे, आज सब लोग मिलके आनंद बाजार में वॉलेंटियर का काम किए हैं। तो माँ उस वॉलेंटियर के रूप में आप भी थी माँ, तो माँ आपको कैसा लगा वहाँ का काम करने में? और आप शायद फर्स्ट टाइम ही कर रही होंगी वहाँ का काम वॉलेंटियर का, पहले भी किए हैं? अच्छा, तब तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस होगा। तो माँ आप वहाँ का आज का अनुभव बताइए कि आज आपको कितना अच्छा लगा, या फिर अंदर आप क्या क्या महसूस की, वो सारी बात। बहुत बहुत अच्छा लगा, हम लोग को काम करके एक शरीर में ताजगी महसूस हुआ। सुबह से ही काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं लग रहा है कि थकावट है, जरा सा भी थकावट नहीं महसूस हो रहा। तो ये तो प्रभु का दिया हुआ देन है, उन्हीं का देन से हम लोग काम करते हैं, आचार्य देव का कृपा है, तो उन्हीं का कृपा है। लेकिन बहुत अच्छा लगा, सबको लाइन में एक बैठा करके पत्तल दे करके सबको जय गुरु कर कह करके बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। और जय गुरु, जय गुरु माँ, जय गुरु माँ। आज आनंद बाजार में आप आज क्या क्या की, आप अपने एक वॉलेंटियर के रूप में अपनी योगदान आज आप क्या क्या वहाँ कार्य करके दी वो बताइए। आज सब्जी काटे, सबसे सब्जी कटवाए, बहुत अच्छा लगा, इतना आनंद लगा क्या बोले, थकावट पते नहीं चल रहा है कि हम क्या ठाकुर के कर रहे हैं, करते जा रहे हैं लेकिन कुछ ऐसा महसूस नहीं आ रहा है, लग रहा है कितना करें करवाएं, उसी एक दूसरे के जय गुरु कहने में कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जय जय गुरु माँ। उम्मीद करते हैं आज शाम में फिर से वॉलेंटियर का काम करने साहब सभी पटना वाले चलेंगे। जय गुरु माँ, जय गुरु दादा, दादा आज आनंद बाजार में आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे से काम किए, मतलब किसी काम को कैसे करना होता है ना वो हम लोग आज आप लोग से सीखे हैं, बहुत शांतिपूर्वक से आप लोग हम लोग को गाइड करते गए, हम लोग उस काम को करते रहे। दादा सबसे अच्छा काम तो आपका था, दादा आप बताइए। सभी गुरु भाई सभी का था, लेकिन आज जो आप गाइडेंस किए हैं ना दादा बहुत अच्छा लगा है। चार्ज में हम लोग काम किए हैं उन्हीं के देख रेख में, हाँ हम लोग का सुपरविजर वही थे। तो दादा आप बताइए आज पटना के लोग सब काम किए, वो कैसे काम किए और उनका अनुभव आपको कैसा लगा उनका काम ये बताइए। बहुत अच्छा लगा, ऐसा ही सब दिन हो गए हो। अच्छा दादा सबसे पहले आप अपना शुभ नाम बता दीजिए। सुरेंद्र प्रसाद सिंह मेरा नाम है। कहाँ से दादा? पटना दानापुर से। अच्छा दानापुर मंदिर से। दादा आज आपको सभी का काम देख करके कैसा लगा, खुशी हुई या निराशा हुआ, या हम लोग अपने काम में और सुधार लाना है वो बताइए। बहुत खुशी हुई, ऐसा ही सब दिन ऐसा ही हो, इसके लिए बहुत खुशी है और कर्मी लोग को भी धन्यवाद है। दादा हम लोग के काम से खुश हुए? बहुत खुश हैं हमारे ठाकुर। आपको लगता है आचार्य देव अविंदा खुश हो पाएंगे पटना वाले लोगों से? एकदम हो जाएंगे। धन्यवाद दादा, जय गुरु। दादा आप बताइए आज के काम से अविंदा आचार्य देव को क्या हम लोग सभी मिलकर के खुश कर पाए हैं? हम लोग अपना जानते हैं बहुत खुश करने की कोशिश किए हैं और बहुत अच्छा से आनंद यार हम लोग रहा। हम लोग आचार्य देव अविंदा को बहुत खुश करने की कोशिश किए हैं और हम लोग का जो दायित्व था आनंद बाजार का बहुत अच्छा रहा दायित्व, हम लोग जितना जो हुआ कर बन सका कर सके, ऐसा ही होना चाहिए भी और हम लोग का सबको सब गुरु भाई का सहयोग होना चाहिए। हम बोल रहे हैं सारे गुरु भाई को मैं बोल रहा हूँ कि आइए और ठाकुर की सेवा में लग जाइए, आनंद की सेवा में लग जाइए ताकि आचार्य हमारे आचार्य देव खुश हो जाए। जय गुरु मैं मुजफ्फरपुर से आई हूँ, मेरे साथ मेरे पति देव हैं, मैं सत्संग में आकर ठाकुर जी का काज करके अपने आप को बहुत धन्य समझती हूँ। होगा भाई धन्य जीवन साधो ठाकुर चरण उनको बरन कर लो, हो
होगा भाई धन्य जीवन, साधो ठाकुर चरण उनको वरण कर लो। होगा भाई धन्य जीवन, साधो ठाकुर चरण होगा भाई धन्य जीवन, साधो ठाकुर चरण उनको वरण कर लो। होगा भाई धन्य जीवन, साधो ठाकुर चरण उनको वरण कर लो। जय गुरु। जय गुरु। मेरा नाम मिंटू कुमारी है, मैं बिहार मुजफ्फरपुर से आई हूँ और मैं परमपिता के आगमन दिवस में यहाँ पर आनंद बाजार में भाग लेने के लिए और आचार्य देव ठाकुर का दर्शन करने के लिए आई हूँ। मैं मैथिली में एक छोटा सा भजन प्रस्तुत करने का कोशिश कर रही हूँ। आप लोगों को अच्छा लगे तो हमें फिर शाबाश धन्यवाद दीजिए। जो भी कलयुग में नव रूप में ठाकुर अनुकूल नाम सोहलो जी, कलयुग में नव रूप में ठाकुर अनुकूल नाम से अलो जी, नारायण पुरुषोत्तम यही छी, नारायण पुरुषोत्तम यही छी, युग युग में अलो जी। परम पिता कहे हैं कि चलन विहीन चरण की पूजा बंध्या पूजा जान, जब हम किसी भी देवी देवता को अपनाएं और उनके आचरण को उनके चलन को नहीं अपनाएं तो हमको किसी को अपनाने से कोई फायदा नहीं। परम पिता हमें अनुशासनवाद सिखाए हैं, वही हमको अनुशासन में रह करके अपने को धन्य करना है। जय गुरु। जय गुरु। हम लोग पटना से आए हैं, बहुत सारे लोग पटना से आए हैं अभी हम लोग, और ये सत्संग जो भी प्रोग्राम होने वाला है उसमें हम लोग आगमन दिवस में जो हम लोग आए हैं, ये हम लोग के लिए बहुत खुशी मतलब हो रही है कि ये मौका हम लोग को बहुत बार मिला लेकिन हम लोग नहीं आ पाए, फर्स्ट चांस से जो हम लोग आए हैं, हम लोग को बहुत सारी खुशी हो रही है। और इतने सारे लोग आए हुए हैं, इतने सारे लोग आए हुए हैं कि देख के तो हम लोग एकदम मतलब ये है कि जो बाप इतना भीड़ इतना, ये तो ठाकुर का ही कृपा है, परमपिता परमेश्वर का ही कृपा है जो इतना भीड़ रहते हुए भी सब अच्छी तरह से हो जा रहा है सब प्रोग्राम। हम लोग को बहुत खुशी हो रहा है, बहुत हम लोग उत्साहित हैं, हम लोग लग करके काम भी करते हैं पूरा जा करके, मतलब हम लोग ये वॉलंटियर बने हुए हैं और सब्जी काटे, हम लोग जाके वहाँ ऊपर में सबको खाना खिलाए, पत्तल बिछाए, सबको मतलब रिसीव किए, सबको बहुत अच्छा लगा, हम लोग को अच्छा से हम लोग किए हैं और आगे कल का भी प्रोग्राम है, रात में भी हम लोग अच्छा से करेंगे, करके ही हम लोग मतलब खुशी होगी कि हम बहुत अच्छा जगह पर आए हैं, परमपिता परमेश्वर ने हमें बुलाया है जिस काम से, उस काम को हम लोग पूरा करके जाएंगे। और सारी जितनी भी लेडीज है, जितनी भी जेंट्स है, सभी लोग एकदम बहुत उत्साहित हैं, बहुत अच्छा से अपना काम कर रहे हैं, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जय गुरु। जय गुरु माँ। आपको यहाँ पे आके कैसा लगा ये बताइए। हमको तो बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर आने के बाद मेला तो लगता है कि सब फिरक दुख थी सब भूल गए, यहाँ पर आ करके मेरे सब्जी काटते हैं, घूमते हैं, खाते पीते हैं, यहाँ बहुत अच्छा व्यवस्था है, यहाँ का माहौल जो है देख करके लगता है हम तो स्वर्ग में हैं, बहुत खुशी लगता है यहाँ का ये थी देख करके। और जहाँ तक हो एकदम हम क्या अनुभव भी नहीं हम इतना कर सकते हैं कि यहाँ क्या क्या चीज़ बना हुआ है सब प्रसाद के भोग के लिए, और सब आदमी देख करके सब एकदम अपना बहन गुरु बहना गुरु भाई रित दादा सब हम लोग अपना एक परिवार का मिल करके इतना खुशी लग रहा है कि क्या बताएं, बहुत बहुत खुशी है। जय गुरु। हम ही पटना से ऐसे थी, हमरा ग्रुपर मध्य एसे हमरा एखाने एत आनंद पे पाची और आगे पाव, हमरा आगमन दिवस एसे 2 सेप्टेम्बरे हमारे एखाने एसे खूब भलो लागे, सरकारी काटते जाच्छी आवा तैरी हुए पता बाटते जाच्छी, सबके स्वागत करछी, हमरा एखाने एसे आनंद एत पाची जे कि आर बोलबो, हमरा चाहिए जे आरो आगे मानुष
আরো দীক্ষা নিয়ে আরো মানুষ বেড়ে যাক, আরো বেশি করে আমরা মানুষ আসি এখানে, আমরা আনন্দ উপভোগ করি, এই আমরা চাই বলে এই আমার সমাপ্ত করছি। জয় গুরু, জয় গুরু। मैं बेगूसराय से आई हूँ। मेरा नाम रीता कुमारी है। ठाकुर जी की वाणी है, उषा निशा में मंत्र साधन चलते फिरते जब यथा समय इष्ट निर्देश मूर्त कराए तब। हमारा जो आचार्य देव का निर्देश है उसका पालन करना ही हमारा जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है, धर्म है। और हमें आचार्य देव का आदेश आया कि यह बिहार की तरफ से ये उत्सव मनाया जा रहा है 2 सितंबर का, आगमनी ठाकुर जी के आगमनी दिवस का। तो हम लोग तन मन धन से मालिक का निर्देश पाकर हम लोग कर रहे हैं। हम लोग को निर्देश मिला है सब्जी काटने का, तो हम लोग खूब सुंदर सब्जी काटते हैं, खूब आनंद लेते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। मेरा मालिक का है मनुष्य मैकिंग प्रोग्राम, जो उसको लेकर के जब तक हम माँ लोग जागृत नहीं होंगे हमारा मनुष्य तैयार अच्छा नहीं होगा। इसलिए मालिक का निर्देश है हर घर से हर माँ को जगाना। जय गुरु, जय गुरु। हमार नाम आराधना शाह, पटना थे श्री रामकृष्ण नगर थे आगमन दिवस इसे हमें सब्जी काटते भारत লাগে, পাতা বেটেছি আর গ্রুপে এসছি। জয় গুরু। আজ कंकड़बाग मंदिर से जो लोग पटना से आए थे, आज सभी लोग बहुत अच्छे ढंग से वॉलेंटियर का काम किए, बहुत ही शांतिपूर्वक और एक नए एक्सपीरियंस के साथ इस काम को किए हैं। और अब ये काम को करके तो अब सभी के मन में है कि सुबह तो कर ही ली, अब शाम में भी इस काम को जाकर करना है। तो बस अब सब शाम की तैयारी में है कि शाम हो फिर से वो लोग आनंद बाजार पहुँचे, जो भी उनसे सहयोग होगा, चाहे वो सब्जी काट कर, पत्तल बांट के, खाना परस कर और अच्छे तरीके से सबको बैठा करके प्रेम भाव से अपनी सेवा फिर से शाम में देंगे। जय गुरु। Thank you.